सर नमस्कार। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा, क्या प्रोग्राम है आज? आज बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल द्वारा महिला इकाई इनकी है, उसका आज शपथ ग्रहण समारोह इसमें है। और इसमें जो महिलाएं अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, आज उनका सम्मान समारोह भी इस मंच से किया जा रहा है। आसदी, मैं जानना चाहता हूँ, आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, क्या क्या कारण कार्य की हैं जो आप उनका सम्मान कराने जा रहे हो? बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल ने हमेशा एक नई शुरुआत की है। जी। और जब ये संगठन माननीय संजीव लाला जी के पास गया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। इन्होंने मुख्यातिथि के रूप में जब हमने इन्हें बुलाया तो उन्होंने एक ही बात रखी कि भाई हर कोई हर महिला को सम्मान करता है, लेकिन उन महिलाओं को जो पैसे से ताकतवर होती हैं या नाम से ताकतवर होती हैं, हम एक ऐसी महिलाओं को ढूंढ के ले आइए आसिफ भाई, उसके बाद प्रोग्राम रखना। तो हमने कह दिया जो बाकी में जिनकी तरफ कोई ना देख रहा हो, तो हम उन्हें रेशमा और परवीन को लेके आए जो सैयर गेट में रहती हैं, जिनके घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 40 किलोमीटर के दायरे में जाके वो गुसल कराती हैं और एक चवन्नी नहीं लेती हैं, वो बॉडी का गुसल कराती हैं। जब बॉडी सड़ जाती गल जाती है, जिसको लोग हाथ में से छूने मना करते हैं, उन बॉडी का वो गुसल कराती हैं। मैं ऐसी महिलाओं का बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल सम्मान करता हूँ। सर जी, कामगार व्यापार मंडल में ये जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, ये आपके संस्था को कितना दो चांद लगाने के लिए आगे बढ़ा रही हैं? माननीय पत्रकार बंधु, आपका अच्छा सवाल। अगर महिलाएं जहां पर महिलाएं काम करती हैं तो वहां तो चार चांद अपने आप लग जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई ने अगर झांसी की लड़ाई लड़ी तो आज झांसी के लिए चार चांद लग गए, जिसकी वजह से आज हम लोग हर मंच सजाते हैं रानी लक्ष्मीबाई के। आज यही चार चांद की बदौलत जिला उपाध्यक्ष संजीव लाला जी बैठे हैं, नीलम सक्रिया जी बैठी हैं, और हमारी नीतू वर्मा बैठी हैं, दूर पर पड़े रेलवे दरबार तैयारी कर रहे हैं, सूफिया खान बैठी हैं, रेशमा बैठी हैं, रंगीना, तमाम ऐसी महिलाएं आज वो इस संगठन से जुड़ती चली जा रही हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता था, कोई ना राजनीति का, ना पॉलिटिक्स करने का, ना समाज सेवा करने का। आज ये संगठन के माध्यम से और हमारे संगठन की महिलाएं बराबर समाज सेवी के सक्रिय के रूप में काम कर रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। ये चार चांद ही है हमारे संगठन के लिए। ठीक है, बढ़िया। हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही अजीब भाई और बहुत ही प्यारे भाई है, जिन्हें ये लग रहा था कि आसिफ दूर है उनसे। शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि हम उन भाइयों से कभी दूर नहीं हो सकते जो हमारे अच्छे बुरे वक्त के साथ ही रहे हो। ये हमारी पहचान है, हमारे संगठन की पहचान है। हमारे बड़े भाई खालिद भाई, नईम भाई और हमारे चाचा सिद्दीकी साहब, हम रविकांत मिश्रा जी बहुत ही बेहतरीन पुरुष लगे। कल ही मुलाकात में इन्हें अपनी मुस्कुराहट से हमारे संगठन हमारे दिलों